सो हाय एवरीवन, आज हमारे साथ दीपक है। दीपक मेरे ही एक स्टूडेंट थे एंड ये मैकेनिकल बाय प्रोफेशन, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी एंड अभी एज अ कंसल्टेंट एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो अब आगे की जर्नी दीपक खुद शेयर करेंगे कि कैसे वो मैकेनिकल से कंसल्टेंट बने एंड उन्होंने जो मुझसे सॉफ्टवेयर सीखा था वो है सैस। तो दीपक पहले अपने बारे में बताइए ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। मेरा नाम दीपक प्रजापति है। मैं 2020 का पास आउट हूँ मैकेनिकल ब्रांच से और ऐसा माना जाता है कि आईटी वाला ही आईटी में जा सकता है, नॉन आईटी वाला आईटी में नहीं जा सकता, बट ये गलत है। हाँ, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कहीं भी जा सकते हैं, जैसा मैंने किया। पहले मैंने डेटा साइंस, मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, जब मैं मैकेनिकल में जुड़ा। मैं 2020 का पास आउट हूँ जब लॉकडाउन लगा था, जब पैंडेमिक आया था। जैसे पैंडेमिक ओवर हुआ तो मेरा प्लेसमेंट हुआ एक चाइनीज़ कंपनी में जिसका नाम था लेमी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट था उसमें। मतलब मैं पेंट शॉप में था जिसमें हमें कोटिंग करनी होती थी, तो उसमें जो थिनर होता था बहुत ज़्यादा हार्मफुल था हमारी बॉडी के लिए। तो अगर हम पलट रहे हैं, किसी चीज़ में डाल रहे हैं उसे थिनर को, तो उसके जो फ्यूम निकलती थी तो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करती थी। तो तो ये मेरे को बहुत बुरा लगता था कि हम इतना पढ़े लिख के भी हम ऐसे काम कर रहे हैं और बिन किसी इंस्ट्रूमेंट के। तो मुझे कहीं ना कहीं इरिटेशन होने लगी। फिर तब भी मैंने लगा चलो कोई बात नहीं, हम मैकेनिकल से हैं, आगे कुछ अच्छा होगा। ऐसा करते करते फिर मैंने देखा कि मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं बच रहा है, 12 घंटे की शिफ्ट। और फिर मैंने सुना अपने दोस्त से, एक दोस्त था, नाम याद नहीं आ रहा उस दोस्त का, उसने मुझे बोला कि भाई आईटी वालों का सही है, वो 8 घंटे काम करते हैं और पैसे हमसे ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैंने बोला यार आजकल हार्ड वर्किंग का ज़माना नहीं है, अब स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे ही सर्च करने लगा, सर्च करते फिर मैंने देखा डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में बता रखा था कि आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, आपके पास अगर स्किल्स है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैंने अब वो देखना स्टार्ट किया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको वो कंपनी में कितना टाइम हो गया था कि उसके बाद आपको ऐसा फील होने लगा कि अब मुझे इसमें नहीं करना, अब मुझे कुछ और करना चाहिए? ऐसा कितने टाइम बाद लगा? सर पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा कि यस, अब मैं एक प्रोफेशनल लाइफ जीऊँगा। अब हमारी कॉलेज की लाइफ गई, हमें बहुत बोरिंग थी ऐसा लगता था। तो जैसे गया मैं तो बहुत इन्जॉय किया मैंने। फिर 1-2 दिन बाद वो इन्जॉयमेंट ऐसे ख़त्म हो गया कि पूछो ही मत। घर वालों के लिए टाइम नहीं है, किसी अपने फ्रेंड से मिलने जाना है उसके लिए टाइम नहीं है। 12 घंटे मतलब कंपनी में और 2 घंटे ट्रैवल करने में, तो 12 तो 14 घंटे। और फिर बाकी अपना सोना है, खाना है, खाना बनाना है। मैं खाना खुद बनाता था, तो इसमें मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा। तो ये मैंने तीसरे ही मंथ में मैंने डेटा साइंटिस्ट का स्टार्ट कर दिया था, बट ऐसा करते करते 6 से 7 महीने हो गए। तो ऐसा हुआ नहीं कि मैं डेटा साइंटिस्ट बन गया। मैंने देखा वहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस की, कंसिस्टेंसी, किसी चीज़ को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। मैं आता था, थोड़ा सा करता था, 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन आके मेरे को लगता था यार अब नहीं, अब थोड़ा सा मूवी देख लेता हूँ, कल से करूँगा। ऐसा किया, फिर कल आया तो फिर कल यार दूसरी मूवी देख लेता हूँ। ऐसे करते करते वो टाइम बीत रहा था। ऐसे करते करते 6 महीने हो गए। अच्छा, तो आप कहीं से ऑलरेडी सीख रहे थे ऑनलाइन या कहीं से क्लास ले रहे थे डेटा साइंस के पहले, दीपक? हाँ यस सर, यूट्यूब पे बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं। ओके, तो उन्हीं को मैं देख के सीख रहा था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। फिर उसके बाद 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद फिर मैंने अपने आप को एग्जामिन किया कि मुझे कितना आता है। तो मैंने देखा मैं किसी भी चीज डेटा साइंटिस्ट के लिए एलिजिबल हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था एट द एंड। ओके, तो फिर उसके बाद फिर मतलब इतना नहीं आता था। जिस हिसाब से आना चाहिए था। फिर मैंने अब मैंने सोचा कि यार अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अब मेरे को शायद इसी इंडस्ट्री में रहना पड़ जाएगा। फिर मैं ऐसे सर्च करते करते इंटरव्यूज देख देख के सोचता थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊंगा। तो ऐसे करते करते एक दिन आपका चैनल आया यूट्यूब पे कि मैकेनिकल टू आईटी, तो मैंने आपका चैनल देखा। फिर मैंने देखा वाला चलो ये भी एक नॉर्मल चैनल है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा सा आपने अपने सेल्फ बना रखी थी ना वीडियो, तो मेरे को थोड़ी जेन्युइन सी लगी थी, तो मैंने उसे वॉच लिस्ट पे डाल दिया था कि मैं इसे बाद में देखूंगा। फिर घर गया, फिर मैंने घर पे देखा तो मैंने सोचा यार एक बार इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो करते करते मैंने सोचा चलो कमेंट करता हूँ, कम्युनिकेट करने की कोशिश की। बट फिर मैंने देखा नीचे कि आपका इंस्टाग्राम आईडी लिखा हुआ था, तो वही इंस्टाग्राम आईडी मैंने उठाया वहाँ से और फिर इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज किया। फिर आपसे बात हुई मेरी, आपने रिप्लाई भी किया था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और बट कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा था कि कहीं मैं फंस तो नहीं रहा हूँ, और बोलते ना सर क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है सर। जब मुझे जॉब अच्छा। यस सर, जब मुझे जॉब चाहिए थी तो एक कॉल आया था मुझे कि हम आपकी जॉब लगवा देंगे, आप हमें 2000 रुपीज दे दें। तो मैंने 1000 रुपये कर दिए थे, 1000 रुपये मेरे पे थे नहीं। मैंने अपने दोस्त से मांग के 1000 रुपये पे किए और मैंने बोला 1000 में जॉब लगने के बाद दे दूंगा। बट वो फोर्स करने लगे, तो फोर्स करते करते इतना उन्होंने फोर्स कर दिया कि मुझे पता लग गया कि ये एक फेक है। तो ऐसे में फंसा था। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा दीपक, गाइस हमेशा ये नोट करना, कभी भी किसी जॉब के लिए एक सिंगल रुपये भी पे नहीं करना है। अगर कोई भी जॉब आपसे सिंगल रुपये भी मांग रही है तो इट्स अ फ्रॉड। ये सारे व्यूअर्स के लिए है कि किसी भी जॉब के लिए, चाहे वो 100 रुपीज भी क्यों ना हो, चाहे वो 50 रुपीज भी क्यों ना हो, बिकॉज किसी भी जॉब के लिए कभी भी आपको पे नहीं करना होता टू बी ट्रू, अनटिल अनलेस वो बहुत बड़े कंसल्टेंट ना हो, और कंसल्टेंट भी हो तो भी सामने जाके मिले। एंड ऐसे मुझे भी एक्चुअली दीपक काफी कॉल आ चुके हैं। मुझे ऐसा कॉल आया था मेरी जर्नी के बिगनिंग में कि मैं मारुति सुजुकी से बोल रहा हूँ एंड आप सेलेक्ट हो गए हो। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सेलेक्ट कैसे हो गया, इंटरव्यू क्या हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं, आपका सर सिलेक्शन आपके प्रोफाइल बेस पर डायरेक्ट हो चुका है, आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कॉल आएगा और आपको आइडेंटिटी और जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म है वो आ जाएगा। मतलब बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो फिर आप मुझे फॉर्मेलिटीज भेज दो, जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज। उन्होंने बोला ठीक है, बट सर आपको कुछ 2000 रुपीज पे करने होंगे। मैं बोला वो किस लिए? उन्होंने बोला कि आपको आईडी कार्ड और जो हम यूनिफॉर्म देंगे उसका आपको अपफ्रंट पे करना होगा। मैं बोला वो तो कंपनी की तरफ से होता है, इसका मुझे क्यों करना पड़ेगा? मैंने बोला ठीक है, देखो आप जॉब दे सको तो ठीक है, नहीं तो आप किसी और को दे दो जॉब। फिर उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, 1000 रुपीज कर दो आप। फिर उन्होंने बोला नहीं 500 कर दो। मैं बोला ये 500 1000 रुपीज में मेरे को जॉब दे दे। यही चीजें सर क्लिक होती हैं, यही चीजें क्लिक होती है कि ये फ्रॉड है। हाँ तो नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, कभी भी रियल जॉब तुमसे 1 रुपया भी नहीं मांगेगी। जैसे अभी तुम एज अ कंसल्टेंट जॉब कर रहे हो, किसी भी इंटरव्यूज में मतलब कोई भी पैसे की बात नहीं हुई होगी, राइट, सीधा जॉब की बात होगी। तो ठीक है दीपक, फिर वो फ्रॉड हुआ था, इसके लिए तुम थोड़ा फियर भी कर रहे थे कि क्या होगा। फिर उसके बाद चीजें क्या थी? तो सर फिर मैंने आपसे बात की तो मुझे लगा कि हाँ जेन्युइन भी है, बट फिर तब भी एक डाउट रहता है सर, क्योंकि एक बार हो चुका है। तो मैंने आपसे कम्युनिकेट किया, फिर आपने बोला ठीक है आप एक दिन सेशन लो। मैंने आपके साथ एक दिन सेशन भी लिया। फिर उसके बाद फिर अगले दिन मैंने मना भी कर दिया था कि सर मैं अभी थोड़ा ऐसे मैंने बहाना बनाया था कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने बहुत सोचा कि क्या करूँ, 4 साल वहाँ पैसे वेस्ट किए, 10,000 यहाँ देके पैसे वेस्ट करूँगा, क्या करूँ? तो ऐसे सोच के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फिर मैंने अपने किसी दोस्त से पूछा तो उसने बोला जब 4 साल में तूने इतने पैसे वेस्ट किए तो ये तो तब भी तेरा करियर बना सकता है और इतने कम अमाउंट है। ऐसा सोचो कि 1 महीने की सैलरी नहीं मिली। तो मैंने ये सोच के फिर मैंने पे कर दिया, मैंने वो भी हाफ हाफ इंस्टॉलमेंट में। तो फिर दीपक फिर ठीक है, आपने बहुत सोचा उसके बाद, मतलब सेशन स्टार्ट किया मुझसे, तो उसके बाद की जर्नी कैसी रही दीपक? एक चीज और मैं कहता हूँ कि आपने मुझे फोर्स नहीं किया, तो ये भी चीज मेरे को अच्छी लगी, और फिर मेरे को भरोसा भी होने लगा कि हाँ ये बंदा, अगला बंदा फोर्स नहीं कर रहा है कि हाँ भाई जुड़ जाओ ऐसे करके। तब मेरे को भी लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैंने फिर आपको पे किया और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया लर्निंग। और चीज़ ये SaaS के बारे में कि ये डेटा साइंस में या इस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ये आपको पहले से पता था या मुझसे जब कॉल पे बात हुई पहली बार उसके बाद आपको पता चला? नहीं सर, ये SaaS के बारे में तो बिल्कुल, मतलब हमारे आसपास वालों को, हमारे IT के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक को नहीं पता होगा कि SaaS एक लैंग्वेज भी हुआ करती है। तो ये YouTube पे पहले मैंने आपका देखा था, तो उसमें बोला SaaS, तो फिर मैंने गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि क्या है ये SaaS। तो SaaS देखा तो SAP आने लगा, YouTube पे देख रहा था तो SAP आने लगा, मतलब SAP तो नहीं, फिर मतलब स्पेलिंग एक बार चेक करता हूँ, फिर से आपकी वीडियो देखी, फिर उसके बाद SAS, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे एक अलग से पेज ओपन हुआ, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया इसके बारे में जानना। तो वहाँ पे एक लिसन डेटा है, लिसन डेटा पे बहुत अच्छा सा कमेंट कर रखा था कि ये इस चीज़ के लिए यूज होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये सब, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तब मैंने इस इन शॉर्ट आपने अलग अलग जगह से, जैसे मुझसे कॉल पे बात होने के बाद अलग अलग जगह से उस चीज़ को सर्च किया, उसके बारे में रिसर्च किया, उसके बारे में जाना। यस राइट सर। तो उसके बाद जैसे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो समझो ये फर्स्ट टाइम एक्सपोजर रहा होगा, मतलब प्रोग्रामिंग के साथ, ठीक है, जहाँ पे आप सीख रहे हो किसी चीज़ को। तो आपकी जर्नी कैसी रही सीखने के दौरान दीपक, इनिशियल डेज और फिर एंडिंग डेज में जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी? सर सिंटेक्स वगैरह समझने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं पहले भी डेटा साइंस का ऑनलाइन कर रहा था मैं, तो उसमें पाइथन सीखना कंपलसरी होता है, तो पाइथन मैं कर रहा था, उसका सिंटैक्स बेसिक जो नॉलेज होती है एक सॉफ्टवेयर की वो मैंने ले ली थी, तो सीखने में ज़्यादा दिक्कत आई नहीं मुझे। बट हाँ मेरा जो रूटीन था वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, जो मुझे अनकंफर्टेबल करता था। ओके तो फाइनली हमें दीपक सीखते हुए कितने महीने हो गए थे कंटिन्यूस? अपना चला था 3 मंथ्स अराउंड। यस सर 3 मंथ्स। अच्छा एंड आपका टोटल अपने फर्स्ट जिस दिन से सीखना स्टार्ट किया था और जॉब लगने का दिन कितना पीरियड हो गया था? 3 या 4 मंथ्स टोटल, 3.5 और 4 मंथ्स, 3.5 महीने हो गए थे सर। तो दीपक फिर आपकी इंटरव्यूज की जर्नी कैसे रही कि समझो कि ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर मैंने सब गाइड किया होगा इंटरव्यूज के रिलेटेड। Yes, तो आपने कितने इंटरव्यूज दिए, आपको इंटरव्यूज में क्या डिफिकल्टी फेस हुई, थोड़ी वो चीजें शेयर करेंगे दीपक? सर मैंने 4 से 5 इंटरव्यू दिए, जिसमें मैंने ये देखा कि प्रैक्टिस की कहीं ना कहीं कमी थी। जैसे मैंने बताया कि मैं थोड़ा मेरा जो टाइम था वो ऐसा था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। जैसे 9:30 बजे आके फिर उसके बाद 9:30 से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाया करती थी, 10:30 बजे तक, 11-12 बजे तक चलती थी जो भी। फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बना के खा के फिर 12 बज जाते थे। तो ऐसे करके ये मेरा डेली का रूटीन था। तो ऐसे कर करके मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो सिर्फ लास्ट के जो 2 दिन बचते थे उसमें हमारी छुट्टी रहती थी। ओके तो मैं उसी दिन प्रैक्टिस कर पाता था। तो इंटरव्यू में ज़्यादातर दिक्कत ये हुई कि सब सिंटैक्स वगैरह पूछने लगे, मतलब कंसेप्ट मुझे पता था बट मैं उसे टाइप नहीं और रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था मैं। तो मैंने देखा कि वो मेरी गलती थी। फिर उसके बाद फिर मैंने उस चीज़ को सुधारने के लिए फिर 1-2 दिन छुट्टी ले के फिर मैंने उस चीज़ को भी उस कमी को पूरी की। मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगा। फिर प्रैक्टिस कर करके फिर मेरा यहाँ पे इंटरव्यू कॉल आया कि आपका इतने बजे इंटरव्यू है, आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना है ऑन कॉल पे। तो उन्होंने फिर मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जो मैंने इजीली उन्हें बता दिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आप यू आर सिलेक्टेड, मतलब नेक्स्ट डे उन्होंने बताया। ये कौन सा इंटरव्यू था तुम्हारा जिसमें तुम सेलेक्ट हुए? पांचवा होगा था, ठीक है। यस। तो पहले समझो 4 इंटरव्यूज में दीपक आपने क्या सीखा, आपको क्या लगा क्या गलतियां थी, फिर आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया? सर पहला तो था कि सिंटैक्स के बारे में अच्छे से जानना, और दूसरा था कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट, और तीसरा था कि रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स कैसे करना है। तो इस चीज़ को समझ के फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किए। तो देर आए दुरुस्त आए, फिर कॉल आया और फिर वहाँ हो गया मेरा। सो दीपक आपकी प्रोफाइल अपने आप में कमाल की है। इट्स लाइक कंसल्टेंट बेसिकली इंडस्ट्री में जो मैं जानता हूँ जिस हिसाब से, कंसल्टेंट इज समवन हु इज कैरिंग अ गुड नॉलेज और उनका काम भी अच्छा खासा होता है एंड दे आर प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग टू डिफरेंट फर्म्स, या तो उनका काम अलग ही लेवल का होता है, एक अच्छा काम होता है। सो उस इंडस्ट्री में मुझे भी काफ़ी अमेज लगा दीपक आपका ये सुनकर कि एज अ कंसल्टेंट आपको सेलेक्ट किया है। सो बट आपने वो चीज़ कही ना, देर आए दुरुस्त आए। तो देर पे आपने एक ऐसी प्रोफाइल ले ली जो कि काफ़ी अच्छी है सर। और ये मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये जो जर्नी है ना सर, ये बहुत कुछ सिखाती है सर। मैं अच्छा। मेरी लाइफ में सर इतना फॉल भी आया है कि मैं रोने का मन करता था कि क्या करूँ, मैं इस इंडस्ट्री में आके फंस गया हूँ और अब मेरा इंटरव्यू भी कहीं क्रैक नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा। तब मैंने, आपको याद होगा, मैंने दिवाली वाले दिन भी मैंने आपको मैसेज किया था। उस दिन भी मैं बोलते हैं ना, सबकी दिवाली अच्छी गई बट मेरी नहीं अच्छी गई। अच्छा। मैं कोच था कि यार दिवाली से पहले अगर मैं कहीं लग जाता तो आज घर वाले खुश होते, एक होप चुप जाती है सर। तो बहुत ज़्यादा फॉल भी आया, मतलब बता नहीं सकता सर कितना, मतलब एक जॉब क्या होती है ना, जो नीडी है ना सर उसे पता है कि जॉब क्या होती है। और दीपक जी बात हो गई कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है मेरे हिसाब से। ये वैसी बात हो गई कि जरूरतमंद को पता होता है, प्यासे को पता होता है कि पानी की कीमत क्या है। दीपक आपने ठीक है 3 मंथ्स पहले मुझसे मिले, कहीं ना कहीं आपकी एक अलग जर्नी थी, 3.5 मंथ्स में आपकी एक अलग जर्नी रही। तो क्या कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहोगे आपके थोड़े लाइफ में क्या डिफरेंस आया या वर्क नेचर में क्या डिफरेंस आया? तब क्या फील करते थे काम को लेके, अब क्या करते हो? सर पहला तो किसी से कम्युनिकेट कैसे करते हैं ये मैंने आपसे सीखा, कैसे मतलब काइंडनेस, पोलाइटनेस। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं एक बार को सोचता हूँ कि यार कैसे पूछूँ, पता नहीं आंसर देंगे नहीं देंगे या कोई बेइज्जती करेंगे। तो बट ऐसा नहीं हुआ आपके केस में, मैंने आपसे पूछा और आपने इजीली बता दिया। तो देखो ये पूरी जर्नी होती है, आप जब लाइफ में कुछ भी नया करते हो, इन शॉर्ट देखो सेम चीज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जब लाइफ में आप नया करने जाते हो तो आपको नए नए प्रॉब्लम्स दिखते हैं, नए नए चीजें। जैसे अगर आप दूसरी इंडस्ट्री में हो, मैकेनिकल में, तो आपका सॉफ्टवेयर के, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर एक्सपोजर बहुत कम रहता है, आपने शायद यूज नहीं किया होता है या ज़्यादा हम उससे गो टू नहीं होते। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे नए नए प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे दिमाग में ख्याल आते हैं कि ये चीज़ कभी देखी नहीं है, इसको करना कैसे हो तो दूर की बात है, सुनी नहीं है। बट आप उस जर्नी के, जैसे दीपक की एक जर्नी रही, 3.5 मंथ्स की जर्नी रही या मैक्सिमम 4 मंथ्स गिन लो, 4 मंथ्स की अराउंड जर्नी रही। उसमें दीपक ने सीखा भी, काफी लाइक डीमोटिवेट भी हुए, मोटिवेट भी हुए। विदिन 4 मंथ्स एज अ कंसल्टेंट सेलेक्ट भी हो गए। तो दोस्तों मैं इन चीज़ों को, चाहे वो दीपक हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो मेरे जितने भी स्टूडेंट हो या चाहे कोई भी हो, इस दुनिया के कोई भी कोने में कोई किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है, तो आप उसको मेहनत मत समझो, आप उसको एक जर्नी समझो कि आप कुछ नया करने जा रहे हो और वो रास्ता नया है आपके लिए, तो वो रास्ता सीधा नहीं होगा पहली चीज, और ना ही वो रास्ता अच्छा होगा। वो रास्ता आपको ऊपर भी ले जाएगा, नीचे भी गिराएगा, खड्डों में भी गिराएगा। एंड उसी को बोलते हैं सीख। जब आप जर्नी खत्म करते हो ना, तो जैसे आप कोई चीज सीख रहे हो तो आप सिर्फ वो चीज नहीं सीखते, आप उस लायक बनते हो उस जर्नी के दौरान। कि बोलते ना वो रेती को छानते, राइट राइट, तो वैसे आप छनते जाते हो डिफरेंट लेयर से। सो ठीक है, चलो आज दीपक को मतलब अच्छा मौका मिला अच्छे चीज पे काम करने का। एंड दीपक, इन द एंड आप कुछ शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स को जो लाइफ में शायद जो मूव होना चाह रहे होंगे आईटी में, या कुछ भी करना चाह रहे होंगे, कोई भी चीज? मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर कुछ भी चाह रहे हो उसे चाह के मत छोड़ो, उसे करके छोड़ो। क्या बात है। तो देखो दीपक ने एक बहुत ही बड़ा हिट मारा है कि अगर कुछ भी चाह रहे हो तो उसे सिर्फ चाह के मत छोड़ो, उसे सिर्फ सपनों में मत देखो, उसे आंखें खुलती भी देखो और उसके लिए अच्छी खासी मेहनत करो। और दीपक की मैं कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा जो दीपक ने बोला। पहली चीज तो कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी के साथ अच्छी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा, कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन। तो ये तीन चीजों गाइज, आप कभी भी कोई चीज जहां से भी सीख रहे हो, कहीं से भी सीख रहे हो, खुद से सीख रहे हो, इन चीजों पे अच्छे से काम करो। एंड ये दीपक की जर्नी थी पिछले 3-4 महीने की। सो एक अलग ही जर्नी लगती है दीपक, राइट? कुछ ना जानने से लेकर कुछ बन जाने तक की जर्नी, राइट? यस सर। कुछ टाइम बाद आप इस फील्ड में सीनियर हो चुके होंगे, तो उस टाइम पे अलग ही चीज होगी। अगर आप ये खुद ये वीडियो जाके देखोगे कि एक टाइम था मैं सोच रहा था कि इसमें जाना कैसे, कुछ टाइम होगा कि आप 20 लोगों का एक बार मीटिंग ले रहे होगे उस कंपनी में एज अ सीनियर। तो यही लाइफ है, कभी भी हमको बहुत दूर का नहीं देखना होता, हमको अगला कदम क्या करना है वो देखना होता है, राइट दीपक? तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच के हमें अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। एंड अच्छे से गाइडेंस ले किसी का और इस जर्नी पे चलें। ये जर्नी काफ़ी इजी रहेगी। एंड आई थिंक दीपक ने ये चीज़ें की हैं, तो मैं बिलीव करता हूँ इंडिया के हर एक इंसान में, ये सिर्फ इंडस्ट्री मूव करने की मैं बात नहीं कर रहा, आप कुछ भी करना चाहें अपनी लाइफ में, राइट दीपक? यस, हमें बस कोई अच्छे से गाइड करने वाला होना चाहिए कि हमें जहाँ पे भी हम स्टक करते हैं वहाँ पे करना क्या है। सक्सेस इज अ पार्ट, आपकी मेहनत का एक छोटा भाई है वो। जब मेहनत रहती है तो सक्सेस अपने आप पीछे पीछे चला आता है। तो दैट इज अ पार्ट, एंड दीपक इज गोइंग टू एंजॉय दैट पार्ट इन फ्यूचर। एंड आप सभी भी इंजॉय करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।